श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों की आर्थिक स्थिति के बारे में आपने सुना होगा कि कैसे दोनों देशों की करेंसी में गिरावट आई और दोनों ही देश बर्बाद होने की कगार पर आ गए। अब ऐसे ही कुछ हालात ईरान में बनते नजर आ रहे हैं, जब ईरान की करेंसी रियाल अपने ऑल टाइम लो पर आ गई है, जिससे देश की स्थिति खराब होते जा रही है और लोगों में भी डर बना हुआ है। आपको बता दें, हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान ने रियाल में लगातार कमजोरी के बीच यूरो खरीदने की क्षमता में तेजी से कटौती की है। वहीं ब्लूमबर्ग के अनुसार ईरान हवाई यात्रियों के लिए प्रतिवर्ष यूरो की खरीद को $500 तक सीमित कर दिया है। वहीं पहले ईरानी नागरिक ऑथराइज्ड डीलर से प्रतिवर्ष 5000 यूरो यानी $5,324 तक खरीद सकते थे, लेकिन रियाल को तेजी से बेचने की वजह से गिरावट आई तो रियाल एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 लाख तक के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं ब्लूमबर्ग के अनुसार दिन की भारी बिकवाली के कारण विदेशी मुद्रा कार्यालयों में बाहर लड़ाई होती रही, क्योंकि ग्राहकों ने सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश की। आपको बता दें, रियाल के मुद्दे 2018 में शुरू हुए थे, जब अमेरिका ईरानी परमाणु समझौते से अलग हो गया और देश पर तेल प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया। इस बीच महीनों के राजनीतिक विरोधों पर ईरान की कार्रवाई ने रियाल की स्थिति को और भी खराब कर दिया, क्योंकि पश्चिमी देशों ने ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के लिए ईरान को दंडित करने का प्रयास किया। फिलहाल में ईरान 50% इन्फ्लेशन रेट से गुजर रहा है। वहीं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने बताया कि CBI यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान इंडस्ट्रीज के द्वारा एक्सपोर्ट करके लाई गई फॉरेन करेंसी पर रोक लगा दी है। वहीं रियाल को स्थिर करने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए CBI इंडस्ट्रीज को तेल पर सब्सिडी भी दे रही है। अब जैसे हालात ईरान में बनते नजर आ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि ईरान के लिए भी आने वाले महीने मुश्किल होने वाले हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ईरान की हालत जल्दी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी हो सकती है। अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो एक और देश बर्बादी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अब किस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ शेयर करें, और ऐसे ही और बिजनेस रिलेटेड कॉन्टेंट देखने के लिए आप जाकर बिजनेस को सब्सक्राइब करें।